हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए अगेन, बिकॉज आप लोग बार बार एक डाउट पूछते रहते हैं कि एग्जाम का डेट कब होगा, एग्जैक्ट डेट कब होगा। तो वो मैं आपको विद प्रूफ आज मैं दिखाना चाहूंगा कि कब आपका एग्जाम का फॉर्म निकलेगा, कब तक होता है आपका फॉर्म फिलअप, कब आपका एग्जाम डेट होगा, जो क्वालिफाइंग जो मतलब मार्क्स वो कब अपलोड करने होते हैं, जो अभी 12th क्लास में है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, या फिर जो अभी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक करो एंड दूसरों के साथ शेयर भी करो, ताकि जिन लोगों का सिमिलर डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, मैं जितना भी लाइव सेशन में अभी कर रहा था आप लोगों के साथ, हर एक लाइव सेशन में आपको ये चीज बता रहा था कि एग्जाम का डेट कब होता है, फिर भी हर एक वीडियो में मैं देख रहा था कि हर एक वीडियो में एक ही मतलब क्वेश्चन जो है मोस्ट मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो है सर एग्जाम का डेट कब होता है, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक है कि RIC एग्जाम डेट, ठीक है, RIE 2023, ठीक है, इसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम डेट कब है एंड पूरा बहुत सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिटी कहाँ होता है वो सब चीज भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, RIC 2023 का एग्जाम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है आपका, एग्जाम जो होगा मंथ अगर हम बोलेंगे तो जुलाई मंथ में होगा, और अगर हम लोग डेट अगर देखेंगे तो कोई एक जुलाई के सेकेंड या थर्ड जो है संडे में हो सकता है, सेकेंड और थर्ड संडे जो है मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। मैं जो डेट बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल डेट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये इस साल का मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एज पर माय एक्सपेक्टेशन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड जो है डेट एंड एक्सपेक्टेड मंथ में बता रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच आपका एग्जाम जो है हो सकता है। इसका फॉर्म कब आता है, ठीक है, इसका फॉर्म जो है पहले क्या होता था, देखो पहले मार्च या अप्रैल में आता था, मार्च में ही मतलब इसका नोटिफिकेशन आ जाता था पहले, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, फिर भी आप मार्च के, ठीक है, अप्रैल में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल के महीने में, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी, ठीक है, अप्रैल के महीने में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और इसका नोटिफिकेशन की फॉर्म आने वाला है, ठीक है। द फॉर्म विल और द एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट बोल के जो नोटिफिकेशन होता है ना, वो मार्च के महीने में आ जाता है। तो मार्च के महीने में आपका क्या मिलेगा, मार्च के महीने में आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मार्च के महीने में आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, ठीक है, अप्रैल के महीने से आपका फॉर्म जो है फॉर्म बिगिन होगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस बिगिंस, ठीक है, एंड आपका अप्रैल से लेके मई तक चलेगा, ठीक है, अप्रैल से लेके आपका मई तक चलेगा, एंड फिर आपका अप्रैल से लेके मई तक चलेगा आपका फॉर्म फिलअप, इवन जून तक चलता है, ठीक है, जून तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा और फिर जुलाई के महीने में एग्जाम होगा। पिछले साल देखो यही हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले साल भी देखो, अभी 2020 के बाद थोड़ा कोविड की वजह से सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिले हो गया है, तो इस चीज की वजह से धीरे धीरे करके बट ऑन टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर ये वाला सीजन भी थोड़ा सा डिले है। तो पिछले साल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आई होप ये थोड़ा सा आपको ब्लर होगा लेकिन क्लियर आप देख सकोगे, मैं जो भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, एंड आपको बाकी सारे डिटेल भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, लाइक कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो नोटिफिकेशन है एनसीईआरटी की तरफ से है, क्योंकि आप सबको पता है एनसीईआरटी RIE जो है एनसीईआरटी का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, तो RIE का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो एडमिशन इनटू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग ITEP प्रोग्राम, ये आपका होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, सबसे पहले RIE में ही स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे करके 60-70 साल के बाद यहाँ पे आपके ऑल ओवर इंडिया में इसको फॉलो किया जा रहा है। 1963 में RIE में स्टार्ट हुआ था, अभी 2023 में जो है ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एडमिशन टू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या क्या आता है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आपका आता है
चार साल का बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जो कि आपका 12th के बाद डायरेक्टली 4 साल का आप बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। उसके साथ साथ आप 12th के बाद बीए बीएड कर सकते हो, ये भी 4 साल का होता है। और उसके साथ साथ आप 12th के बाद डायरेक्टली 6 साल का एमएससी एड कोर्स भी कर सकते हो, जहां पे आपका बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड 3 डिग्री आपको मिल जाएगा। बीएससी बीएड एंड बीए बीएड में आपको 2 डिग्री, एक बीएससी प्लस बीएड दोनों एक साथ ही मिलता है। एमएससी एड में आपको 3 डिग्री मिलेगा, बीएससी प्लस बीएड प्लस एमएससी, ठीक है। और इसके साथ साथ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो आपका है ना 12th के बाद जो आप देते हो, इसको बोला जाता है आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जहां पे आपके डिग्री और आपके बीएड एक साथ मिलते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीएड होता है 2 ईयर, ये आपका नॉर्मल आपका होता है बीएड, ठीक है, नॉर्मल आपका 2 ईयर बीएड। तो 2 ईयर बीएड भी आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीईपी, आईटीपी नहीं बोलते, इसको हम लोग टीईपी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी है 3 साल का, और 2 ईयर बीएड भी है, 2 ईयर एमएड भी है। तो अगर पिछले साल का अगर आप नोटिफिकेशन डेट के हिसाब से देखो, हाँ आरआई कहाँ कहाँ ये भी आपका डाउट रहता है, तो आरआई आपका है मैसूरू, ठीक है, नेवी शिलोंग, आपका एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, बट यहाँ पे आपका जो ये सब कोर्स नहीं होता है, ये सब कोर्स मेनली आपका होता है मैसूरू में, उसके बाद आरआई भोपाल में होता है, आरआई अजमेर एंड आरआई भुवनेश्वर में होता है, एंड नेवी शिलोंग में 2 ईयर बीएड का कोर्स होता है। तो आपका टाइम देख लो कब यहाँ से फॉर्म फिलो, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, तो ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से लेके 30 मई तक हुआ था, सॉरी 30 जून तक, ठीक है, 20 अप्रैल से लेके 30 जून तक हुआ था। यहाँ पे देखो 20/04/2022, 30/06/2022, तो 20 अप्रैल से 30 जून तक हुआ था फॉर्म फिलअप। तो इतना लंबा आपको टाइम मिला था फॉर्म फिलअप करने के लिए पिछले साल। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 15 से लेकर 24 जुलाई तक, और 24 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ। मार्क अपडेट प्रोसेस यहाँ पे देखो, 20 जुलाई को किनका मार्क अपडेट अपलोड करना था, 12th के बाद जिन लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार था, एंड ये मैंने आपको बोला भी था कि एक्सटेंड होगा, नहीं एक्सटेंड हुआ भी था, ठीक है, आप सबको बताओ वीडियो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। एंड 2 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एंड एमएड का जो 25 तारीख को यहाँ पे फॉर्म जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क डालना था, ये बट ये भी एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन थोड़ा डिले हुआ था, ये सब जहाँ भी स्टार लिखा है वो सब डिले हुआ था, मैंने बताया था क्यों होता है, ठीक है। अब देखो इस साल भी आपका फॉर्म जो है लगभग अप्रैल से लेके जून तक आपका फॉर्म रहेगा। जून में भी थोड़ा थोड़ा चांस है, बहुत कम चांस है कि जून में एग्जाम हो, बट हो भी सकता है जून या फिर जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई ज्यादा प्रोबेबल टाइम है। एंड आपके एडमिट कार्ड भी उससे कितना दिन पहले निकल रहा है, देखो उससे कितना दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलते हैं, एग्जाम के 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलते हैं, ठीक है। आप देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर हमारा तो मतलब 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कैसे मार्क अपडेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 अप्रैल तक तो आपका रिजल्ट नहीं आया होगा सीबीएसई का या फिर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे अपलोड हम करेंगे, तो आपको मार्क अपडेट करने के लिए टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे कि आपको 20 अप्रैल या 30 जून तक मार्क अपलोड नहीं करने हैं, उससे बाद भी आप जुलाई के महीने में भी आप जो मार्क अपलोड कर सकते हो, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है मार्क अपलोड करने के लिए। एंड जब तक आप अपना मार्क करियर मार्क जो 12th वालों के लिए 12th होता है, एंड बीएड जो अप्लाई करते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन होता है, या फिर एमएड जो अप्लाई करते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपका जो बीएड का मार्क होता है वो आपका करियर मार्क है, जब तक आप अपने करियर मार्क अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे आरआईसी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस तो आप दोगे प्लस आपका करियर का मार्क भी काउंट होता है, दोनों आपको मतलब वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। 60-40 आपका 60% जो है आपका मार्क्स लिया जाता है आपके एंट्रेंस के स्कोर से, और 40% मार्क्स आपका जो है करियर से लिया जाता है, तो दोनों आपको करने होते हैं। ये तो आप एग्जाम दोगे तो आपका 60% वहां से काउंट हो जाएगा, एंड दूसरा ये 40% जो है जो आप अपना करियर मार्क अपलोड करोगे तभी वो ऐड होता है, तो आपको टाइम मिलता है। तो जो फाइनल ईयर में भी है, 12th में भी है, या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, वो भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, एंड जो है मार्क अपलोड आप लेट बाद में कर सकते हो, जब तक आपका फॉर्म फिलअप का विंडो ओपन, मतलब आपका जो मार्क अपलोड का विंडो ओपन रहेगा आप कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद, एग्जाम भी देने के बाद, फिर भी बाद में आप जो है जो ये जो कर सकते हो मार्क अपलोड, तो आपको वरीड नहीं होना है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझे मार्क अपलोड करना है, उसमें आपको बोला जाता है कि 0 डाल दो, अभी फिलहाल आप 0 डाल दो, और जैसे आपको अपना मार्क मिलेगा और ये जो विंडो ओपन हो जाएगा मार्क अपलोड करने के लिए,
तो आप जो है अपना जो एग्जैक्ट मार्क डाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होके या डर के मारे कुछ भी मार्क्स अपने आप से डाल देते हैं, तो वो गलत है। कुछ भी मार्क्स आप अपने आप से नहीं डालना है, आप जीरो डालना है। आप जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए आप जीरो डालोगे, फिर आप जो है एग्जैक्ट मार्क डालोगे जब आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो डेट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो आई होप ये सब आपका जो डाउट होता है, एग्जाम कब होता है, जुलाई के महीने में लगभग आपका एग्जाम होगा, फॉर्म अप्रैल से लेकर जून तक चलेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये आपका जो है होता है। तीसरा चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे कि मतलब अभी तो बहुत टाइम है और हम लोग आराम से प्रिपरेशन करेंगे ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो ऐसा मत करो। आप अपने पढ़ाई के लिए, अगर ये आपका एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा टाइम निकालो, दिन में सिर्फ एक घंटा ही पढ़ाई करो, दो घंटा अगर देते तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो आपको बोलूंगा दो तीन घंटा डेफिनेटली दो। जो अभी जिन लोगों को लगता है कि आप ऑनलाइन क्लासेज या पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, वो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ये जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें देखो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रीजनिंग का बुक है, ये तीन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड आपका जो है ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो ये बुक आप देखो, ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का बुक है, हमारे द्वारा बनाया गया कंप्लीट बुक है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में हम लोग ये बुक प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी का बुक, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक प्रोवाइड करते हैं और आपको ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आरआईसी के सिलेबस में ये तीनों ही टॉपिक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसके सिलेबस में बस ये तीन ही आपका सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो इसीलिए हम ये तीन बुक प्रोवाइड करते हैं आपको स्टडी मटेरियल में। तो अगर आप ये सिर्फ ये तीन बुक प्रोवाइड मतलब लेना चाहते हो, देखो हम इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओएमआर शीट का जो है मतलब ओएमआर शीट भी हम आपको देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है ओएमआर में होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो हम आपको ओएमआर भी प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। अगर आप कंप्लीट सेट लेते हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप लेते हो, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो प्राइस 1600 हमने रखा था प्राइस, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा हमने ज्यादा डिस्काउंट अभी इसके ऊपर कर दिया है। आप जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर लेते तो आपको 1400 रुपी रहेगा आपका प्राइस, ठीक है। अगर इसके साथ ये जो आपका तीन बुक है, अगर सिर्फ ये तीन बुक लेते हो, तो हमने इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा था 1200, ठीक है। अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो ये 1350 दिखाएगा, 1350, क्योंकि अमेजोन का एक्स्ट्रा अमेजोन का चार्ज रहता है, तो अमेजोन पे 1350 है, लेकिन ये डायरेक्ट हमने 1200 पहले प्राइस रखा था, तो अभी इसमें 200 रुपी का डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेज करते हो तो ये जो तीन बुक है, सिर्फ ये तीन बुक अगर आपको लेना है, तो ये तीन बुक आपको प्राइस रहेगा सिर्फ 1000 ओनली, प्रीवियस ईयर के स्टडी मटेरियल के प्राइस के साथ हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया, अभी सिर्फ 1000 इसका स्टडी मटेरियल का प्राइस रहेगा, ऑफर प्राइस है। अभी ये फरवरी के मंथ में आपको ये ऑफर प्राइस मिलेगा, एंटायर फरवरी में आप कभी भी लेते हो तो आपको जो है ये सिर्फ 1000 रहेगा, सिर्फ ये तीन बुक का 1000 ओनली इसका प्राइस होगा डायरेक्ट परचेज में। डायरेक्ट परचेज क्या होता है कि आप क्या करते हो डायरेक्ट परचेज में, डायरेक्टली आप पेमेंट करते हो फोन पे या गूगल पे के थ्रू, जैसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं आपको फोन पे गूगल पे नंबर बता देते हैं, आप पेमेंट करते हो फोन पे गूगल पे नंबर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर के साथ सेम है 7327813135, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी मिलेगा, फोन पे भी मिलेगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, और इसी नंबर के साथ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो अगर इसी नंबर के साथ आप कॉन्टैक्ट करके फोन पे या गूगल पे के थ्रू या फिर आप नेट बैंकिंग थ्रू भी पेमेंट करते हो, ठीक है, या फिर आप बैंक में जाके कैश ट्रांसफर भी करते हो और उसका भी रिसिप्ट हमको भेजते हो, तो हम आपको आपके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ये मटेरियल भेज देंगे, ठीक है। और ये होता है डायरेक्ट परचेज, जो हमसे डायरेक्टली लेते हो। अगर आप अमेजोन से परचेज करते हो तो इसका जो प्राइस है वो आपको 150 रुपीज कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट परचेज में 200 रुपीज कम, 1200 का प्राइस था, 200 मतलब आपका 1000 प्राइस रह जाएगा। अमेजोन से लेते तो 150 रुपीज का डिस्काउंट होगा, 1350 का प्राइस था तो आपको 1200 रुपया लगेगा। यही जो तीन बुक है अमेजन पे थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा, क्योंकि अमेजन का खुद का जो है चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट परचेज नहीं है। तो अमेजन पे 1200 रुपये इसका प्राइस हम लोग कर देंगे और डायरेक्ट परचेज पे 1000। तो आप अगर ये सिर्फ तीन बुक लेते हो तो प्राइस इतना रहेगा। अगर आप पूरा सेट लेते हो, मतलब इसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होता है, और ओएमआर सेट लेते हो, तो पूरा स्टडी मटेरियल का जो पैकेज होगा उसका प्राइस डायरेक्ट परचेज में होगा 1400 रुपीज, ठीक है। 1600 इसका प्राइस था, 200 हमने डिस्काउंट कर दिया, तो 1400 आपको प्राइस रहेगा। तो अमेजन पे जो प्राइस है वो है आपका 1200 तीन बुक का, डायरेक्ट परचेज पे तीन बुक का प्राइस है 1000, एंड अगर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड ओएमआर आपका रहेगा 1400 रुपीज। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली भी ले सकते हो, एंड अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हो तो अमेजोन में आपके लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और तीसरा चीज ये है कि
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी लेना चाहते हो तो भी वो भी आप ले सकते हो, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे, प्राइस डिटेल एंड ऑल, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग गूगल मीट के थ्रू करते हैं एंड जिसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलता है, लाइव क्लासेस भी मिलता है एंड हर एक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलता है और ये स्टडी मटेरियल जो है आपके पास हम कुरियर भी कर देते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास भेज देते हैं, ठीक है, एंड अमेजोन से भी आपको ये मिल जाएगा। अगर जिनको ऑनलाइन क्लास एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लेना है आप अमेजोन से डायरेक्टली मटेरियल ले सकते हो एंड डायरेक्टली हमारे से भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, आप जैसे भी लेना चाहो। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, बस यही मैं आपको बोलूँगा कि प्रिपेरेशन जल्दी करो, मटेरियल लेते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो या ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, इट्स अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हो, कितना सपोर्ट हमसे आपको चाहिए, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मटेरियल लो ना लो, इट्स अप टू यू, लेकिन प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दो। सिंपल चीज है कि क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपेरेशन कर दो ताकि आप पीछे ना रह जाओ। अगर लास्ट ईयर आपने दिया है, ठीक है, नहीं हो पाया एक दो मार्क्स से या कुछ मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो इस साल डेफिनेटली कोचिंग लेके पूरा स्टडी मटेरियल लेके अच्छे से गाइडेंस लेके आप प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दो ताकि इस साल भी आपका जो है लॉस ना हो, ठीक है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है डेफिनेटली उनको मैं बोलूंगा कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं लग रहा है एंड आपको बहुत अच्छे गाइडेंस भी मिल रहा है एंड वो आपको टीचर बनने तक, आपके एम तक जाने तक हम आपको हेल्प कर सकते हैं। बस यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद।